अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। मेरठ जोन के नव नियुक्त ADG राजीव सब्बरवाल ने आज सुबह अपना चार्ज संभाल लिया। इसके साथ ही पुलिस भी एकाएक ही चार्ज हो गई और दिन निकलने से दोपहर होते होते तक 3 मुठभेड़ कर डाली। जिन लोगों के पांव में मुठभेड़ के दौरान गोली लगी उनमें मवाना मटौरा गांव स्थित SBI की कैश वैन को लूटने की कोशिश करने वाला भी शामिल है। पुलिस उसके एक और साथी को गिरफ्तार कर चुकी है जबकि एक अन्य फरार बताया जा रहा है। इसी क्रम में आज सुबह बागपत के डोला गांव का रहने वाला जयद भी पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। उस पर आरोप है कि वह वाहनों को रोककर लूटपाट करता था। जयद के दो साथी फरार हो गए। यह मुठभेड़ मोदीपुरम हाईवे पर नारायण मंडप के सामने सुबह हुई। जयद पर 25,000 रुपये का इनाम था। दूसरी मुठभेड़ नौचंदी मैदान में हुई। यहाँ वाहन चोरी का आरोपी शहजाद पैर में गोली लगने से घायल हो गया। वह स्कूटी चुराने के मामले में काफी समय से वांछित चल रहा था। शहजाद आशियाना कॉलोनी लिसाड़ी गेट का रहने वाला है। शहजाद ने भागते वक्त पुलिस पर फायर भी किया था लेकिन नौचंदी SO आशुतोष कुमार की सूझबूझ से वह घायल होकर पकड़ा गया। SO आशुतोष कुमार ने बताया कि उसका एक अन्य साथी जिशान निवासी लखीपुरा भाग निकला है जिसकी अभी तलाश जारी है। तीसरी मुठभेड़ मवाना नहर की पटरी पर हुई। यहाँ पुलिस ने हाल ही में मटौरा स्थित SBI शाखा के कैश वैन को लूटने की कोशिश करने वाले बदमाश सचिन उर्फ टीटो निवासी ग्राम सुराना मुरादनगर गाजियाबाद को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया। उसका एक साथी अंकुर पुत्र सलीक चंद निवासी मटौरा को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है जबकि योगेंद्र उर्फ मोनू निवासी सुराना मुरादनगर अभी फरार चल रहे हैं। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।